हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बैक अगेन विथ न्यू वीडियो ऑन इल्मे सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। नए आने वाले कैंडिडेट्स को सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में है। तो आज कुछ अपडेट देनी थी। जो कैंडिडेट्स परेशान थे कि उनका एक सवाल था कि डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए कौन जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात के जो चालान सिस्टम है वो कब अपडेट होगा, क्या उन्होंने न्यू पॉलिसीज़ में या न्यू इंस्ट्रक्शन में चालान डेट जो है वो एक्सटेंड की है क्या या नहीं, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये है कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। बात को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो। सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्सिटी में मैंने सबसे पहले चालान पेड कर दिया, सबसे पहले आप लोगों को चालान पेड करना है, उसी के साथ ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को देने हैं। वो मैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरे सिस्टम जो है वो मैं आप लोगों को कल वीडियो बना दूंगा, ताकि वो चीज़ आपसे क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कर देने हैं, अदरवाइज़ कोई और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं चाहिए, या फिर वही सेट करवा दें, ठीक है। सो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज जो है कुछ कमेंट्स ऐसी भी हैं जो रिलेटेड हैं, तो मैं एक ही बात करता हूँ उससे। तो ये बात हुई कि जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जाएंगे, क्या वो खुद जाना, उनको खुद जाना ज़रूरी है या कोई और पेरेंट्स, भाई, गार्डन कोई जा सकता है। पहली बात ये कि वहाँ पे ना कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी, जस्ट आप लोगों को चालान पेड करके वो सेट करके आप लोगों को पेरेंट्स को देने हैं या भाई को देने हैं या बहन को देने हैं या किसी को भी दे सकते हैं। अब होगा क्या, आपसे जो सिस्टम पूरा होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने, जस्ट आप लोगों को देने हैं वहाँ पे, ठीक है। आप लोग दे सकते हैं, कोई पेरेंट दे सकता है, किसी का कोई सिस्टर है उसका भाई है, या फिर कोई अबू है उसका अम्मी है, दे सकती है, ठीक है, जमा करवा सकता है। जस्ट उनको देने हैं, सिर्फ उनको सबमिट करके वो रखेंगे, ये नहीं देखेंगे, बायोमेट्रिक नहीं लगाएंगे, उसके फेस को नहीं देखेंगे, भाई कौन है तू, कहाँ से आए, क्या नाम है, पूरा डिटेल, ये कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपसे क्लियर हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं या फिर कोई ऐसी मजबूरी होती है तो वो ख़ुद नहीं आ सकते, तो मैंने सोचा ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना एक अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चालान के हवाले से, कि चालान जो है वो अपडेट 25 को होगा, मैंने पहले बता दिया था, इंशाल्लाह कल जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही हो जाएगा आप लोग देख लें, तो मैं कोशिश करता हूं ताकि उस पर आप लोगों को समझा दूंगा कि भाई चालान अब अपडेट हो गया, अब आप लोग जो सबमिट करवाना चाहता है डिपार्टमेंट की फ़ीस वो सबमिट करवा दें। सो मेरे ख्याल से ये दो बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। सो जो भी अभी और भी जो मुश्किलात आपके साथ आ रही हैं, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव वे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।